हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज 6.2 थी वो हम लोगों ने सॉल्व की थी, ओके। एंड एक्सरसाइज 6.2 में हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था कि जो हमें गिवन नंबर है उससे हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू डिवीजन कैसे करते हैं, ओके। गिवन नंबर में से जो नंबर जिसे डिवाइड करना है उसमें से जिसको डिवाइड करना है उसे सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, ओके। सो ये तो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। नाउ इन दिस क्लास व्हाट विल स्टडी, इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे? इन दिस क्लास विल स्टार्ट आवर टॉपिक डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन, कि एक नंबर लाइन पे कैसे डिवीजन किया जाता है, ओके। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सब हम लोगों ने नंबर लाइन पे किए। नाउ इट्स टाइम फॉर डिवीजन, ओके, कि डिवीजन्स को किस तरह से नंबर लाइन पर सॉल्व किया जाता है। सो एग्जाम्पल में क्या है, 24/4, 24 को 4 से नंबर लाइन पर डिवाइड किया हुआ है, ओके। क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है ना जिसको डिवाइड करना है उससे स्टार्ट करते हैं एंड जिससे करना है उतने स्टेप्स आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे 24 को 4 से डिवाइड करना है, 24 से स्टार्ट करेंगे, 4 नंबर्स लीव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4th नंबर पर ओके जंप किया, देन अगेन 4th नंबर पर, 22/4 क्या होगा, 19, 18, 17, 16, ओके। सो 22/16, देन 16 to 2, 12, 12 to 8, 8 to 4 एंड 4 to 0, कि 0 तक हमें जो नंबर है उसे जंप करवाना है, ओके। 24 टू 0 तक जंप करवाया, कितने टाइम जंप हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने टाइम जंप हुआ, 6 टाइम। तो अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6, ओके। 6 टाइम जब हम 24 से 4 लीव करके अगर हम जंप करवाएंगे तो 0 तक पहुंचने में 6 जंप करने पड़ेंगे, ओके। सो इसी के बेसिस पर हम लोग अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 है ये सॉल्व करते हैं, ओके। 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन। क्या करना है हमें, नंबर लाइन का यूज करते हुए 16 को 4 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स हमें जो गिवन नंबर है उसे डिवाइड करना है। फर्स्ट इज डिवाइड 16/4, 16 को 4 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है जिसको डिवाइड करना है वहां से स्टार्ट करेंगे, कितने लीव करके, जिससे डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, 4 से। सो 16 से स्टार्ट करेंगे, 4 मूव करेंगे एंड 0 तक आएंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं 16, 15, 14, 13, 12, 16 to 12 हुआ ना 4th नंबर, सो 16 to 12, ओके। नेक्स्ट 12 to 4 नंबर मूव करो, 11, 10, 9, 8, 12 to 8, सो 12 to 8। नेक्स्ट 7, 6, 5, 4, 8 to 4, नेक्स्ट 8 to 4, नेक्स्ट 0 तक जाना है ना हमें, सो 4 तक हो गया। नाउ 4 मूव करो, 3, 2, 1, 0, कहाँ तक आ गया, 0 तक, ओके। कितने टाइम्स, 1, 2, 3, 4, कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। सो आंसर क्या हो गया, 4, कि अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
4, या फिर यू में बोल सकते हैं 4 4s are 16, जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 16 आता है, या मैं 16 को 4 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी कि आंसर 4 आ जाए, ओके मतलब डिवाइड करूंगी तो आंसर 4 आ जाए, इसी के बेसिस पर है ये। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको क्वेश्चन बी एंड सी, क्वेश्चन बी एंड सी आपको सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन ए आपको सॉल्व करवाया, नेक्स्ट क्वेश्चन बी एंड सी इज फॉर योर होमवर्क, ओके। एंड अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो अगला टॉपिक है किस चीज का, फैक्ट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन हम लोग स्टडी करेंगे, ओके प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन स्टडी करेंगे, जिसमें कि हमें हमारी बुक में 3 प्रॉपर्टीज दी हुई है, एंड हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, फर्दर जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके बाय।